They are used to direct air flow into and out of pneumatic actuator. Solenoids are used to solenoids are used to remotely control accelerator position using electrical signal. There are different airflow patterns for each state that control which position the actuators. So they are used to direct airflow into and out of pneumatic actuators. Solenoids are used to remotely control actuators positions. We can control the solenoids positions. Solenoid positions may be the rotation kind of or may be the linear kind of. They can be controlled remotely. We can control by remotely. ठीक है. So for that basically use the solenoid valve. Is that clear? आपने देखा होगा ना कि हमारे खेत में जो मोटर वाटर पंप यूज करते हैं उसको रिमोटली हम ऑन और ऑफ करते हैं जीएसएम बेस. तो जीएसएम बेस से सिग्नल तो जाएंगे, वो सिग्नल किसको जाते हैं? सोलेनोइड वाल्व को. तो सोलेनोइड वाल्व क्या करता है, वहां पे जो मोटर है ऑन है तो ऑफ करता है, ऑफ है तो ऑन करता है. आई गॉट दिस. क्या होता है, यू कैन सी दिस इज द सोलेनोइड वाल्व. सर ये पानी पास करता है ना कि मोटर ऑन ऑफ करता है? मोटर को ऑन ऑफ करता है और यहाँ पे पानी भी, यहाँ पे इनलेट और आउटलेट रहता है. ठीक है, अब ये देखो नेक्स्ट वाला. सर जैसे मतलब इसका सिस्टम शायद ऐसा होगा कि जब ये ओके. संजय इज शोइंग दी सोलेनोइड वाल्व, यू कैन सी हियर. ओके, सोलेनोइड वॉल को क्या रहता है, पावर सप्लाई के लिए दो टर्मिनल रहते हैं. ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, इसको 12-24 वोल्ट्स लगता है ऑपरेट होने के लिए. और यहाँ पे एक इनलेट और एक आउटलेट होता है. ठीक है, ये जो है इसका, ये शायद इनलेट होगा, यहाँ से पावर, यहाँ से वाटर सप्लाई देते है और यहाँ से वाटर सप्लाई आउट होता है. ठीक है, जैसे ही इसको पावर सप्लाई देते प्लस 25 वोल्ट्स, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे वॉल ओपन हो जाता है और यहाँ से जो वाटर है, यहाँ से वाटर इस डायरेक्शन से, जो ये जो डायरेक्शन है दूसरे डायरेक्शन से फ्लो होता है. ठीक है, ये जो सोलेनोइड वॉल अभी इसने दिखाया है, तो ये सोलेनोइड वॉल बेसिकली यूज किया जाता है किसमें, वो वाटर फिल्टर में. ठीक है, वाटर फिल्टर में जो फिल्टर हुआ पानी रहता है वो यहाँ से जाता है, जो उसने थंब लगाया ना यहाँ से, और यहाँ से जो है हमें मिलता है. ये आउटपुट है इसका और ये इनपुट है. जो अभी यहाँ से उंगली लगाए ना यहाँ पे, ये वाला, ये है उसका आउटपुट. यहाँ से फिल्टर आउटपुट मिलता है हमें, और इधर से जो वहां पे अल्ट्रा वायलेट बॉटल्स रहती है, वहां से फिल्टर होने के बाद यहाँ से पानी आता है. आई गॉट दिस. जैसे ही हम यहाँ पे वाटर फिल्टर चालू कर देते हैं, तो यहाँ का जो सोलेनोइड वाल्व है वो ऑन हो जाता है. जैसे मीन्स जैसे वहां पे पानी पीने के लिए हम जब ऑन करते हैं वहां पे, तो ये सोलेनोइड वाल्व चालू हो जाता है 2 मिनट्स के लिए या वन मिनट के लिए, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. अभी इसको कंट्रोल करने के लिए भी अदर ड्राइवर्स लगते हैं. सोलेनोइड वाल्व में यहाँ पे सोलेनोइड रहता है, ये स्प्रिंग होता है. ठीक है, इनलेट पोर्ट है, आउटलेट पोर्ट है, जैसे वहां पे दिखाया था ना, इनलेट और आउटलेट पोर्ट बोलते हैं उसको. और ये वॉल बॉडी है, और ये और ऑर्टिफिस. तो यहां से जो इनलेट है, यहां से वाटर दिख रहा है आपको, लेकिन वाटर इस साइड पे नहीं जा रहा, क्योंकि ये जो सोलेनोइड वॉल्व ने क्या किया है, इसको स्टक करके रखा है, बंद किया है. जैसे ही यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं सोलेनोइड वॉल्व को, तो इसके अंदर एक कॉइल रहता है, वो कॉइल एनर्जाइज होता है और इस जो रॉड को है ना ऊपर की तरफ खींच लेता है.
ऊपर के तरफ जैसे कैच लेंगे इसको अट्रैक्ट हो जाएगा, तो सोलेनोइड वाल्व जो है यहाँ का फेस है वो ओपन कर देगा, और ये जो इधर से इनलेट का जो मटेरियल है या जो लिक्विड है एयर है वो आउटलेट पोर्ट पे चला जाएगा। अकॉर्डिंग स्टूडेंट आर टू टाइप्स जस्ट लाइक टू द रिले, रिले इज नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन, सेम हियर द सॉल्वेंट वॉल आर ऑल्सो अवेलेबल इन नॉर्मली क्लोज एंड नॉर्मली ओपन। अगर नॉर्मली क्लोज है तो वहां पे